हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल सो आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन अमेजिंग एंड फैबुलस राइट सो आ गए हैं हम एक और वन शॉट के साथ विच इज चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है ग्राफ वाफ रहने वाला है इसमें काफी सिंपल सरल सा ये चैप्टर रहेगा ओके okay? और और इसको अच्छे से करना है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नामक चैप्टर आपको टेंथ स्टैंडर्ड में भी आएगा ओके सो शैल वी स्टार्ट देन लेट्स गो अहेड ओके सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दैट इज अबाउट एक्सेस ओरिजिन क्वाड्रेंट ये क्या बला है ओके okay? उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन प्लेन क्या होता है कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं एंड सो ऑन टू प्लॉट पॉइंट पॉइंट को प्लॉट कैसे करना है ग्राफ में ओके देन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन सो ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे इस चैप्टर में ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सिस ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट ठीक है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे कि मैंने बोली ग्राफ से रिलेटेड ओके okay? तो ग्राफ के बारे में हमें क्या पता है ग्राफ कुछ इस तरीके से हम अभी तक करते आए हैं है ना ये होती है हमारी एक्स एक्सिस ये होती है हमारी वाई एक्सिस करेक्ट इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस इसको बोला जाता है वाई एक्सिस और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बनता है ओरिजिन करेक्ट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोलता है बनता है बेटा ओरिजिन तो अभी क्वाड्रेंट क्या है ये तो हमें पता है मैम ये तो हमें पता है बट अब तक हम जो ग्राफ पढ़े हैं बेटा वो ग्राफ का छोटा सा पोर्शन पढ़े हैं पूरा का पूरा नहीं पढ़े ओके okay? ये इतना ही ग्राफ नहीं होता एक्चुअल आपका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ओके okay? ये है हमारा ग्राफ ओके सो अब ये आपकी वाई एक्सिस ये आपकी एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन तो अभी तक हम सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ते आए थे ये बाकी तीन हिस्से भी होते हैं ओके तो ओरिजिन के राइट साइड में जब हम नंबर्स लिखते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन बट हमें पता है कि नंबर लाइन पे अगर हम जीरो से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो निगेटिव वैल्यूज होती है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एन सो ऑन करेक्ट और इसीलिए इस साइड पे ये जो एक्सेस बनती है इसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं जिसको बोला जाता है निगेटिव एक्स एक्सिस ठीक है ये होती है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव एक्स एक्सिस सिमिलरली जीरो से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर्स जीरो से इधर आएंगे तो निगेटिव नंबर्स, यानी ये बन जाता है हमारा वाई डैश निगेटिव वाई एक्सिस ओके दिस इज ओरिजिन एज इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा ओरिजिन होता है इधर नंबर प्लॉट का प्लॉट करेंगे तो यह आएगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन इधर करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन तो इतना तो हमें पता है अब इधर कैसे प्लॉट करना है जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड सो ऑन सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड सो ओके नाउ अब बात करते हैं बेटा हम ये जो चार पार्ट्स बने हैं ये ये जो ग्राफ के ओरिजिन को कट करने के बाद ये जो चार पार्ट्स बने हैं चार सेक्शंस बने हैं इन चारों सेक्शंस को ही क्वाड्रेंट्स बोला जाता है ओके तो दिस इज योर फर्स्ट कॉड्रेंट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है हमारा सेकेंड कॉड्रांट क्वाड्रेंट द वन इज थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और ये जो है ये है फोर्थ क्वाड्रेंट ओके द वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट तो हमारा ग्राफ जिन चार हिस्सों में बटा हुआ होता है ओके okay? ग्राफ जिन चार हिस्सों में बटा हुआ होता है उन चारों हिस्सों को ही क्वाड्रांड्स बोले जाते बोला जाता है और हमारे पास इन टोटल चार क्वार्रांड्स होते हैं बेटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऐसे घूम के आना है ऐसे नहीं जाना है कि उल्टा घूमना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे हमारे पास चार क्वार्रांड्स होते हैं ग्राफ में ओके तो चीजें क्लियर है अब एक्सेस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस उसके बाद ओरिजिन ये है ओरिजिन और फिर ये जो चार टुकड़े बने चार हिस्से बने हैं, ये है हमारे okay? Now, next is coordinate of point in plane. अब जब हम ये कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे ठीक है ग्राफ का यूज क्या होता है बेटा पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए है ना अलग अलग पॉइंट हम ग्राफ के ऊपर कैसे दिखा सकते हैं उसके लिए हम यूज़ तो जैसे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ये आपका ओरिजिन है फिर से ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इस तरीके से आ गए चार क्वाड्रेंट्स आ गए तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं ठीक है ठीके? कोऑर्डिनेट्स हम हमेशा कॉमा वाई फॉर्मेट में दिखाते हैं ओके इनको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये जो इस तरीके से पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है इसको क्या बोलते हैं बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ओके मतलब जब भी आप कोई पॉइंट की पोजीशन बताओगे तो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले और y कोऑर्डिनेट बाद में आएगा ओके okay? x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में आएगी ओके नाउ फॉर एग्जांपल अगर मुझे पॉइंट दिखाना है टू कॉमा थ्री ओके टू कॉमा थ्री ये मेरा पॉइंट है टू कॉमा थ्री मतलब x की वैल्यू टू और y की वैल्यू थ्री ये फिक्स रहेगा हमेशा पहली वैल्यू x की दूसरी वैल्यू y की ये फिक्स है ओके okay? तो x की वैल्यू टू y की वैल्यू थ्री x की वैल्यू टू y की वैल्यू थ्री दो अलग अलग जगह है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा टू कॉमा थ्री ठीक ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा टू कॉमा थ्री अब यहां पे आपको साइन ध्यान में रखना है साइन इज इंपॉर्टेंट साइन कैसे यहां देखो पहले अगर क्वाड्रेंट की बात करें हम ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव भी पॉजिटिव मतलब एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो टू भी पॉजिटिव थ्री भी पॉजिटिव अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं ठीक है सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है यानी पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है दूसरा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा थर्ड में आ जाओ थर्ड में एक्स भी, भी निगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आएगा, उसमें x और y, दोनों की ही वैल्यू कैसी रहेगी? निगेटिव रहेगी एंड लास्टली फोर्थ का बताओ आप लोग ही बता दो जल्दी से फोर्थ का क्या होना चाहिए बेटा एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव ओके x पॉजिटिव वाई निगेटिव इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स की साइन देख के है ना एक्स और वाई की साइन देख के ये बता सकते हैं कि वो प्लेन के अंदर कौन से क्वाड्रेंट के ऊपर लाई करेगा फर्स्ट पे लाई करेगा सेकंड पे लाई करेगा थर्ड पे लाई करेगा कि फोर्थ पे लाई करेगा ओके okay? अब जब भी आप किसी क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे किसी क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे मतलब वहां पे x की भी वैल्यू रहेगी और y की भी वैल्यू रहेगी कुछ ना कुछ नंबर रहेगा चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो चलो एक निगेटिव वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दूसरा पॉइंट है थ्री कॉमा माइनस टू ओके थ्री कॉमा माइनस टू मतलब x की वैल्यू थ्री x की वैल्यू थ्री और y की वैल्यू माइनस टू आएगा x पॉजिटिव y निगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट देखो x की वैल्यू थ्री y की वैल्यू माइनस टू मतलब पॉइंट जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज द्री कॉमा माइनस टू तो इस तरीके से हम कोई भी पॉइंट ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एक्स और वाई की वैल्यू क्या दी हुई okay? तो अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को प्लॉट करना सीखे थे अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप निगेटिव वैल्यूज को भी प्लॉट करना सीखो नेक्स्ट आता बढ़ू ले बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्सेस आता जर पॉइंट तुम्हारा एक्सेस वर आला ठीक तो है आता च्या आत चारही जे क्वाड्रंट्स आहे त्यामध्ये कुठेही येऊ शकत होतो पण जर आता लाईनवरच आला एक्स एक्सेस पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह वाय एक्सेस पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह जर लाईनवर येत असेल तर त्याला कसं प्लॉट करायचं ते बघूया ओके फिरसे ड्रॉ कर लेते हैं, हम हमारे एक्स एक्सेस वाय एक्सेस निगेटिव्ह एक्स एक्सेस निगेटिव्ह वाय एक्सेस ठीक आहे या पॉइंट्स ले लेते वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर अगेन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ठीक है ये पॉइंट्स आ गए बेटा अब अगर मुझे एक्सेस के ऊपर पॉइंट लेना है ठीक है अगर एक्स एक्सेस के ऊपर पॉइंट लेना है तो वाई की वैल्यू जीरो और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना है तो x की वैल्यू जीरो कैसे है देखो ऑन x एक्सिस अगर x एक्सिस के ऊपर लेंगे तो y की वैल्यू जीरो यानी इसको हम टू कॉमा जीरो ले सकते हैं माइनस थ्री कॉमा जीरो ले सकते हैं एक्सेट्रा और ऑन y एक्सिस लेना है तो x की वैल्यू जीरो यानी जीरो कॉमा फोर या जीरो कॉमा माइनस थ्री देखो अब एक एक करके इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं ठीक है पहला है टू कॉमा जीरो तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया ये आ गया ठीक है ये हो गया हमारा पॉइंट टू कॉमा जीरो दूसरा है माइनस थ्री कॉमा जीरो यानी एक्स की वैल्यू माइनस थ्री वाई की वैल्यू जीरो तो दोनों का इंटरसेक्शन यही पॉइंट आ गया तो दिस इज माइनस थ्री कॉमा याने अगर एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा तो वाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए या फिर अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो पॉइंट के ऊपर ही आएगा दोनों ही केस में y कैसा होना चाहिए जीरो होना और इन दोनों केस में x जीरो होना चाहिए ठीक है चलो x के लिए देखो जीरो कॉमा फोर एक्स की वैल्यू जीरो y की वैल्यू फोर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दिस इज योर जीरो माइनस थ्री वैल्यू जीरो माइनस थ्री तो इस तरीके से हम एक्सिस के ऊपर पॉइंट प्लॉट कर सकते एक्सिस के ऊपर में हमेशा याद रखना है जिस एक्सिस के ऊपर आएगा दूसरा वाला जीरो जिस एक्सिस के ऊपर आएगा दूसरा वाला जीरो ये ध्यान रखना बेटा आगे बढ़ते हैं फिर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू दी फॉलोइंग पॉइंट्स लाइफ अब हमें ये पॉइंट्स को देख के बताना है डायरेक्टली बिना ड्रॉ किए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे या कौन से एक्सेस के ऊपर आएंगे ठीक है फिर हम उसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे डोंट बट बिना किए कैसे बता सकते देखो पहला पहला है बेटा एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव है ना एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव ऐसा है ना तो एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में ना? x निगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सेकेंड देन x भी निगेटिव और y भी निगेटिव x भी निगेटिव और y भी निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट ये है कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट देन 3.5 1.5 तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव यानी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट नेक्स्ट 2, 10 ठीक है नेक्स्ट क्या है 2, 10 है तो 2, 10 अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव यानी फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव निगेटिव एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाई की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कहाँ आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ओके okay? तो ये कौन सा आ गया बेटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट नेक्स्ट अगेन पॉजिटिव निगेटिव तो फिर से फिर से फोर्थ क्वार और लास्ट में अब देखो एक्स की वैल्यू जीरो है एक्स की वैल्यू जीरो है तो अगर एक्स जीरो मतलब कौन सा एक्सिस वाई एक्सिस है ना एक्स जीरो मतलब ये कहाँ आ जाएगा पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा चलो अब क्रॉस चेक करें एक बार सही है या नहीं है चलो देखते हैं ठीक है कुछ पॉइंट्स के लिए हम क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा y एक्सिस ये एक्सिस ये आपका ओरिजिन ये निगेटिव एक्सिस निगेटिव y एक्सिस ठीक है पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स

और माइनस टेन फिर यहाँ आ गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन और माइनस टेन ठीक है सारे पॉइंट्स हमने ले लिया अब हम एक एक करके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ओके तो so, पहला पॉइंट क्या है बेटा हमारा फर्स्ट पॉइंट इज माइनस थ्री कॉमार टू यानी x की वैल्यू माइनस थ्री वाई की वैल्यू टू दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी यहां आ गया हमारा माइनस थ्री फॉर्मा टू आ गया क्या सेकेंड क्वाड्रेंट यस, सेकेंड क्वाड्रेंट मिल गया मतलब करेक्ट है फिर माइनस फाइव माइनस टू एक्स की वैल्यू माइनस फाइव वाई की वैल्यू माइनस टू मतलब तो पॉइंट यहां आ गया हमारा पॉइंट का नेम दे देते ये है ए दिस इज बी बी तो B हमें मिला कहाँ पे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में ओके बी कहाँ मिला थर्ड क्वाड्रांट में अब के देख लेते हैं थ्री पॉइंट फाइव फाइव थ्री पॉइंट फाइव और वन पॉइंट फाइव आ गया वन पॉइंट फाइव और थ्री पॉइंट फाइव दिस इज पॉइंट के जो कि कहाँ आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया ओके तेन टू कॉमा टेन x की वैल्यू टू y की वैल्यू टेन ये आ गया हमारा पॉइंट D, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में थर्टी सेवन थर्टी फाइव अगेन माइनस एटीन देखो x की वैल्यू पॉजिटिव y की वैल्यू निगेटिव मतलब हमारा पॉइंट कहाँ आना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए ओके okay? एफ कहा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में थ्री कॉमा माइनस सेवन एक्स की वैल्यू थ्री वाई की वैल्यू माइनस सेवन फिर से हमारा पॉइंट आ गया? पॉइंट कहामा माइनस सेवन इज इन फोर्थ क्वार आ गया बेटा फोर्थ क्वार में और लास्टली एक्सिस के ऊपर जीरो माइनस फाइव एक्स की वैल्यू जीरो y की वैल्यू माइनस फाइव यानी यहाँ आ गया हमारा पॉइंट H। Which is on y -axis. कहां पे बेटा वो वाई एक्सिस पे हाँ कंफ्यूज नहीं होना जीरो कॉमा माइनस फाइव यानी एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू माइनस फाइव है बेटा वाई की वैल्यू माइनस फाइव यानी ये है हमारा पॉइंट एच ठीक है इज ऑन वाई एक्सिस ये कहां पे आ गया हमारा वाई एक्सिस के ऊपर आ गया अब ये बोल रहे हो गए मैम ये तो निगेटिव के ऊपर आया पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर आया ऐसा ठीक है तो यूजुअली जब हम एक्सिस का नाम लिखते हैं ना बेटा तो उनको नेम लिखते टाइम निगेटिव एक्सिस या निगेटिव वाई एक्सिस ऐसा नहीं लिखा जाता डायरेक्टली ये पूरी की पूरी हम एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं पूरी की पूरी वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं लिखते टाइम ओके ऐसे निगेटिव या पॉजिटिव एक्सिस को इंडिकेट नहीं करते वो सिर्फ हमारे समझने के लिए या हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जीरो से आगे पॉजिटिव जीरो से पीछे निगेटिव जाएगा ऐसा कर बट लिखते टाइम आपको y एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसा ही लिखना है चाहे पॉजिटिव साइड पे आए चाहे निगेटिव साइड पे आए ओके बेटा चलो फिर आगे बढ़ते हैं फॉलोइंग ठीक है ये सारे given points हमें इस ग्राफ के ऊपर प्लेन पे ड्रॉ करने हैं तो पहले ग्राफ बना लेते हैं ठीक है ग्राफ बनाएंगे पहले तो हम ये आ गई हमारी वाई एक्सेस ये आ गई हमारी एक्स एक्सेस okay? ले लेते हैं कितना जा रहा है मैक्सिमम ये सिक्स तक सेवन तक जा रहा है ओके okay? तो so यहीं पे लेना पड़ेगा हमें छोटे छोटे सेक्शन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जा रहा है ओके वन देन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहाँ आ गया सेवन ठीक है सिमिलरली यहाँ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन ओके देन यहाँ पे आ जाएगा ये वन आफ्टर दैट टू देन

पॉइंट्स को एक एक करके प्लॉट करना है तो so, पहला हमारा जो पॉइंट आ रहा है पहला पॉइंट क्या है माइनस टू कॉमा फोर यानी एक्स की वैल्यू माइनस टू वाई की वैल्यू फोर एक्स की वैल्यू माइनस टू वाई की वैल्यू फोर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां आ जाएगा ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी दिस पॉइंट इज टू कॉमा फोर पॉइंट एल हमें मिल गया नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट एम नेक्स्ट क्या लेना है तो एम so, के कॉर्डिनेट्स फाइव कॉमा सिक्स एक्स की वैल्यू फाइव वाई की वैल्यू सिक्स वाई की वैल्यू सिक्स दिस इज अट एम विथ कॉर्डिनेट्स फाइव कॉमा सिक्स Then उसके बाद नेक्स्ट है बेटा माइनस थ्री कॉमा माइनस फोर यानी एक्स की वैल्यू माइनस थ्री वाई की वैल्यू माइनस फोर एक्स की वैल्यू माइनस थ्री वाई की वैल्यू माइनस फोर ये आ गया हमारा पॉइंट एन माइनस थ्री कॉमा माइनस फोर एंड देन नेक्स्ट इज टू कॉमा माइनस थ्री पी क्या है बेटा टू कॉमा माइनस थ्री x की वैल्यू टू y की वैल्यू माइनस थ्री एक्स की वैल्यू टू y की वैल्यू माइनस थ्री पी इज टू कॉमा माइनस थ्री नेक्स्ट इज सिक्स माइनस फाइव क्यू है सिक्स माइनस फाइव एक्स की वैल्यू सिक्स y की वैल्यू माइनस फाइव ये हो गया हमारा पॉइंट क्यू सिक्स माइनस फाइव नेक्स्ट इज सेवन कॉमा जीरो चलो अब आप लोग ही बता दो सेवन कॉमा जीरो है y की वैल्यू जीरो कहाँ आ जाएगा point आ जाएगा x X's के ऊपर ये हो गया हमारा ओके दिस इज दर्डिनेट सेवन कॉमा हैविंग कॉर्डिनेट सेवन कॉमा ओके नेक्स्ट इज जीरो माइनस फाइव एक्स की वैल्यू जीरो मतलब पॉइंट मा माइनस फाइव ओके तो इस तरीके से हम कोई भी पॉइंट यस yes, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे डेसिमल में हो कोई भी पॉइंट ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं okay? हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी है निगेटिव वैल्यूज भी है एक्सेस के ऊपर भी पॉइंट आ सकते so, हैं बेटा चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है ऑन ग्राफ पेपर प्लॉट पॉइंट ए बी एंड सी ज्वाइन ए बी एंड बी सी ठीक है हमें तीन हमेंट दिए हुए ए बी सी इनको प्लॉट करना है और पूछा गया है कि इनको ज्वाइन करने के बाद आपको क्या फिगर मिल रहा है कौन सा फिगर मिल रहा है वो बताओ ओके चलो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम पॉइंट्स ले लेते हैं ये आ गया जीरो वन टू थ्री और फोर ठीक है ये आ गया एक्स देन यहाँ पे फिर से वन टू थ्री फोर ये आ गया आपका वाई माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर हेयर ऑल्सो माइनस वन माइनस टू ओके okay. तो अब पॉइंट्स क्या क्या है बेटा वाई की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू जीरो मतलब ये आ गया हमारा पॉइंट ए उसके बाद थ्री कॉमा थ्री एक्स की वैल्यू थ्री वाई की वैल्यू भी थ्री यहां आ गया हमारा पॉइंट बी हो गया पॉइंट बी देन 0, 3 x की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3 यानी ये आ गया हमारा पॉइंट सी ओके ये पॉइंट्स मिल गए अब हमें जॉइन क्या करना है ए और बी को जॉइन करना है एंड बी और सी को भी जॉइन करना है बी और सी को भी जॉइन करना है तो ये देखो बेटा इसका डिस्टेंस कितना है 0 से लेके 3 तक यानी 3 यूनिट है इसका भी डिस्टेंस 3 यूनिट आ जाएगा ये जीरो से लेके थ्री तक तो यहाँ पे भी थ्री यूनिट आ गया और यहाँ पे भी थ्री यूनिट आ गया चारों साइड का मेजर सेम है वर्टिकल लाइन है तो फिगर कौन सा बन रहा है हमारा फिगर इज स्क्वायर हमें फिगर कौन सा मिल रहा है बेटा ये बन गया हमारा स्क्वायर ओके दिस इज इस, तो इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको जहां पे फिगर पूछा जाए फिगर का एरिया निकालने बोला जाए फिगर का पेरीमीटर निकालने बोला जाए तो इस तरीके से हम इजीली ड्रॉ करके ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके निकाल सकते हैं चेक कर सकते ओके okay? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इज लाइंस पैरल टू एक्स एक्सेस अब हमने ये तो देख लिया कि पॉइंट कैसे प्लॉट करना है अब हम बात कर रहे हैं लाइन की ओके okay? अब हमें क्या बनानी है बेटा लाइन बनानी है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी देखते हैं कैसे बनती है ओके, okay. तो so, बना लो आपका ग्राफ सबसे पहले। आ गया ओरिजिन। पॉइंट्स ले लो कोई भी रैंडमली ले लो। वन टू थ्री इधर भी ले लेते हैं ठीक है ये पॉइंट्स आ गए बेटा हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल रहे एक्सिस को पैरेलल रहे कोई भी एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम समथिंग like को पैरेलल है क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है अब पॉइंट चेक करो इसके ऊपर पॉइंट कौन सा ये पॉइंट की अगर मुझे पोजीशन बतानी है तो ये पॉइंट क्या है बेटा जीरो पॉइंट क्या है जीरो कॉमा टू है उसके बाद ये यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा ये क्या आ जाएगा वन कॉमा टू आ जाएगा ये जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा बेटा टू कॉमा टू आएगा ये पॉइंट कौन सा आएगा ये पॉइंट आ जाएगा टू कॉमा थ्री सॉरी थ्री कॉमा टू सिमिलरली इधर पे आ जाओ तो इधर पे जो पॉइंट आएगा ये कौन सा हो जाएगा माइनस वन कॉमा टू ये पॉइंट कौन सा होगा बेटा माइनस टू मतलब यहाँ से ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि इस लाइन के ऊपर है ना इस लाइन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले ले कोई भी पॉइंट उसके y की वैल्यू हमेशा क्या है उस पॉइंट के y की वैल्यू हमेशा क्या है टू है और x की वैल्यू चेंज हो रही है x की वैल्यू चेंज हो रही है मतलब अगर मुझे कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस को पैरल हो तो उसमें की वैल्यू मैटर नहीं करेगी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट वाई की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए वाई की वैल्यू एक कोई भी एक फिक्स कांस्टेंट नंबर ही होना चाहिए जो कि होगा वाई इक्वल्स टू केलेट से ये? और ये के वैल्यू क्या होगी के क्या कुछ भी हो सकता है वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वॉट एवर ओके कोई भी नंबर हो सकता है कैसे अब देखो अगर मैं यहां पे ले लू एक और लाइन चलो एक और लाइन ले, ले लेते हैं ये क्या ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है yes. y की वैल्यू फिक्स है बेटा माइनस थ्री यानी ये लाइन कौन सी है y इक्वल्स टू माइनस थ्री है ये लाइन कौन सी है y -3 है फोर फाइव सिक्स वट एवर कुछ भी ले लो x की वैल्यू चेंज होती रहेगी लेकिन y की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी तो अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल है x एक्सेस से तो उसमें y क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए y should be fix. y शुड बी कि क्या होना चाहिए बेटा फिक्स होना चाहिए y की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए अगर मेरे पास कोई भी लाइन है इन टर्म्स ऑफ y इक्वल्स टू के मतलब कुछ भी y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू टू इक्वल्स टू थ्री वट एवर तो वो लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को पैरल बनेगी ओके चलो एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल क्या बोला गया बेटा राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ फाइव यूनिट फ्रॉम इट एंड बिलो द एक्स एक्सिस ठीक है ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है ये है हमारा x एक्सिस ये है हमारा y एक्सिस हमें x एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो x एक्सिस से नीचे बने लेकिन x एक्सिस से नीचे कितने यूनिट पे बने फाइव यूनिट पे है ना x एक्सिस से नीचे फाइव यूनिट पे बने मतलब यहाँ पे जो हम पॉइंट्स ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं बेटा इक्वेशन क्या बनेगी y 2 नीचे फाइव यूनिट मतलब वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव जिस एक्सेस को पार्लल बनाना है उसके अपोजिट वाला पॉइंट लो जिस एक्सेस से पार्लल बनाना है उसके अपोजिट वाला पॉइंट देखो वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव के लिए हम ड्रॉ करेंगे ओके ये आ गया हमारा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस तो y की वैल्यू माइनस फाइव है y की वैल्यू माइनस फाइव है x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अगर मैं x की वैल्यू वन लूँ, तो भी y की वैल्यू माइनस फाइव है x की वैल्यू टू लूँ, तब भी y की वैल्यू माइनस फाइव है x की वैल्यू थ्री लूँ, तब भी माइनस फाइव एक्स की वैल्यू फोर लू तब भी माइनस फाइव एक्स की वैल्यू माइनस वन लेंगे तो भी माइनस फाइव वाई एक्स की वैल्यू माइनस टू लेंगे तो भी एक्स की वैल्यू माइनस फाइव एक्स की वैल्यू माइनस थ्री तब भी वाई की वैल्यू माइनस फाइव अब इनको अगर मैं ज्वाइन कर दू इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें ये क्या बन गई हमारी लाइन बन गई विच पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड बिलो द एक्स एक्सिस बिलो द एक्स एक्स ठीक है देखो लगे फाइव यूनिट फ्रॉम इट एंड बिलो द एक्स एक्स फाइव यूनिट बिलो द एक्सएक्स तो इस तरीके से हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं विच इज पैरल टू एक्स एक्सिस चलो अब एक्स तो एक्सिस आप लोग बताओ अगर के लिए पैरेलल बनानी है तो कैसे करेंगे एक्सैक्टली exactly. जब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू ले रहे हैं, और अगर वाई एक्सिस को पैरल बनाएंगे तो एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी ओके okay? कौन सा फॉर्मैट होना चाहिए x equals to k होना चाहिए k की कुछ भी हो सकती है एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स इक्वल्स टू थ्री ये सारी जो लाइन्स बनेगी ये सारी लाइन्स कैसी बनेगी वाई एक्स को पैरल बनेगी देखते हैं चलो बनती है या नहीं थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ठीक है? एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एक्स की वैल्यू माइनस टू वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है वाई की वैल्यू वन तब भी माइनस टू वाई की वैल्यू टू तब भी माइनस टू वाई की वैल्यू माइनस वन तब भी माइनस टू वाई की वैल्यू यानी लाइन कैसी जाएगी बेटा कुछ इस तरीके से ठीक है दिस इज लाइन फॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस टू क्या ये पैरेलल है क्या ये वाई एक्स को पैरेलल है बिल्कुल है ठीक है देन एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स इक्वल्स टू थ्री ये हो गई हमारी x इक्वल्स टू थ्री वाली लाइन विच इज अगेन पैरल टू y ठीक है तो इस तरीके से हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इज पैरल है तो y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और अगर y एक्सिस को पैरल है तो x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ओके ये ध्यान रखना तो यहाँ पे लिखेंगे हम x टूड फिक्स्ड एक्स क्या होना चाहिए हमारा फिक्स होना चाहिए ओके okay? अब जब हम आ, एक और चीज छूट गई बेटा ओरिजिन जब हमने ओरिजिन की बात की थी तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ठीक है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन तो ओरिजिन पे वैल्यू क्या है जीरो है x की भी वैल्यू जीरो है y की भी वैल्यू जीरो है इसीलिए ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा जीरो कॉमा जीरो होंगे ओके okay? ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे बेटा जीरो कॉमा जीरो होंगे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरली कोऑर्डिनेट्स में कंफ्यूजन हो जाता है ओरिजिन के तो ओरिजिन में एक्स की भी वैल्यू जीरो है वाई की भी वैल्यू जीरो है इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो कॉमा आ जाते हैं हमारे लाइन के ऊपर पैरल टू वाई एक्सिस ठीक है इसके ऊपर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरल टू वाई एक्सिस एटिस्टेंस ऑफ सेवन यूनिट्स टू इट्स लेफ्ट वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में सेवन यूनिट वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में सेवन यूनिट्स मतलब इक्वेशन क्या होना चाहिए बेटा x इक्वल्स टू माइनस सेवन x इक्वल्स टू माइनस सेवन ड्रॉ कर लेते हैं माइनस वन सी लेना पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन तो जब हम ड्रॉ करेंगे बेटा ये है हमारा x इक्वल्स टू तो माइनस सेवन वाई की वैल्यू कुछ भी ले लो ड मैटर y की वैल्यू कुछ भी लेंगे डजेंट मैटर x की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए है ना एक्स की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए विच इज माइनस सेवन तो ये जो लाइन बनेगी हमारी एक्स इक्वल्स टू माइनस सेवन टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम वाई एक्सिस एक्सिस के लेफ्ट साइड में सेवन यूनिट तो ये याद रखना कि जब एक्स एक्सिस से ऊपर बोला गया है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे बोला गया है तो निगेटिव

पैरेलल पैरेलल टू वाई एक्सिस जिसका आंसर या जिसकी वैल्यू दी है उसके अलावा दूसरा वाला ओके देक्स्ट वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो है तो so, ये हो गया वाई इक्वल्स टू टू प्लस टू माइनस टू है उधर चला जाएगा प्लस टू और वाई इक्वल्स टू टू मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस ओके

उसके बाद नेक्स्ट x इक्वल्स टू सिक्स है ना x सॉरी x प्लस टू जीरो क्या हो गया फिर पैरेलल टू y एक्सिस और कौन से साइड में आएगा बेटा अगर y एक्सिस को पैरेलल है और x की वैल्यू निगेटिव है मतलब लेफ्ट साइड है ना कहां से आ कहां पे आ जाएगा लेफ्ट साइड में और ये लास्ट वाला वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव ये आ गया हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस और कहा आ जाएगा अब आएगा कि बिलो आएगा इट्स बिलो एक्स एक्सिस है ना एक्स एक्सिस से नीचे आ जाएगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू है वाई की वैल्यू कैसी है निगेटिव है तो एक्स एक्सिस से नीचे आ जाएगा आप इसको ड्रॉ करके भी चेक कर सकते ठीक है आप इसको ड्रॉ करके भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो आपकी यही सेम वैल्यूज आएगी चलो आगे बढ़ते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाना है बहुत इजी है एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ लेट्स से मेरे पास है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर ये एक लीनियर इक्वेशन है है ना x प्लस वाई इक्वल्स टू फोर ये एक लीनियर इक्वेशन है तो यहां हमें अपनी मर्जी चलानी है यहां क्या करना है हमें अपनी मर्जी चलानी है यानी कोऑर्डिनेट्स हम अपने हिसाब से लेंगे कैसे हम बनाएंगे एक बॉक्स ठीक आ गई x की वैल्यू ये आ गई y की वैल्यू ज्यादा नहीं तीन कोऑर्डिनेट्स काफी है ठीक है तीन से ज्यादा नहीं लें तीन इनफ होते हैं तो अब x की जगह अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू रखो x की जगह अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू रखो तो लेट्स से अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो x की जगह 1 रखने पे क्या होगा बेटा 1 y 4 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई x 1 रखने पे y 3 मिल गया x 2 रखेंगे तो y 2 मिलेगा एक्स थ्री रखेंगे तो वाई वन मिले बस हमें कोई एक पॉइंट यानी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू खुद से लेनी है अपने हिसाब से लेनी है जो मन करे वो लेनी है अब ये मिल गए हमें इसके बाद हमें हमारे कॉर्डिनेट्स मिल जाएंगे ओके इसके बाद हमें हमारे कॉर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स कैसे आ गए बस नीचे थोड़ा सा इसको बढ़ा दो ये है बेटा कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई यानी वन कॉमा थ्री टू कॉमा टू और थ्री कॉमा वन पॉइंट्स मिल गए क्या तीन पॉइंट्स मिल गए क्या बस तीन पॉइंट्स हमें मिल गए इन तीनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे ठीक है ग्राफ बना लो एक्स वाई ये आ गया जीरो वन टू थ्री 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. पहला पॉइंट क्या है वन कॉमा थ्री पहला पॉइंट क्या है वन कॉमा थ्री यानी एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू थ्री यहां आ जाएगा हमारा वन कॉमा थ्री देन दूसरा टू कॉमा टू एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू भी टू और तीसरा पॉइंट है थ्री कॉमा वन एक्स की वैल्यू थ्री वाई की वैल्यू वन यहाँ आ गया हमारा तीसरा पॉइंट ये तीन पॉइंट्स मिल गए ओके ये तीन पॉइंट्स हमें मिल गए इन तीनों पॉइंट्स को हमें बस कनेक्ट करते हुए जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ठीक है इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए जॉइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन स्केल से हमेशा जॉइन करना बेटा ऐसे हाथ से जॉइन नहीं करना है हमेशा स्केल की हेल्प से पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे ज्वाइन करोगे और ये जो लाइन हमें मिली दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई इक्वल्स टू फोर का ग्राफ ये हो गया हमारे गिवन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इसीलिए बोला जाता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो आप रैंडमली कोई भी वन वेरिएबल वाला टू वेरिएबल वाला थ्री वेरिएबल वाला व्हाट इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनती दिस इज़ ग्राफ ऑफ़ इक्वेशन। चलो इसके ऊपर के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ठीक है तो हेयर इज द्वेशन ड्रॉ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ठीक है टेबल बना लेते हैं पहले टेबल में क्या क्या चाहिए बेटा टेबल में हमें चाहिए एक्स वाई और एक्स वाई तीन पॉइंट्स काफी है ठीक है तीन पॉइंट्स काफी है अब एक ट्रिक बताती हूँ पॉइंट्स लेने की ठीक है हाँ एक और चीज ऐसा होगा कि मैम मैंने तो वन लिया मेरे फ्रेंड ने टू ले लिया पॉइंट्स हमारे अलग अलग आए पॉइंट्स कुछ भी आ जाए बेटा पॉइंट्स अब मैंने पहले ही बोली यहां हमें अपनी मर्जी चलानी है और हर कोई अपनी मर्जी चलाएगा मतलब हर एक इंसान के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो पॉइंट्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे बट पॉइंट्स डिफरेंट आते हुए भी आपका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा सेम ही बनेगा ओके okay? उस पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी वो सब की सेम ही बनेगी चाहे पॉइंट कितने ही डिफरेंट क्यों ना ओके बस पॉइंट ऐसे लेना कि इक्वेशन से कैलकुलेट करके ही निकलो एक्स और वाई दोनों ही अपनी मर्जी से नहीं लेना है कोई एक पे अपनी मर्जी चलानी है या तो एक्स पे अपनी मर्जी चला लो या तो वाई पे अपनी मर्जी चला लो ओके कोई एक पे अपनी मर्जी चलानी है और उस वजह से दूसरे का जो आंसर आएगा वो लिखना है ठीक है तो जैसे अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह जीरो ले लू तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा वाई इज इक्वल्स टू हमें टू मिल जाएगा है ना एक्स की जगह जीरो तो वाई की वैल्यू टू और अगर y की जगह जीरो ले लू तो x इक्वल्स टू टू मिलेगा है ना y की जगह जीरो ले लू तो x इक्वल्स टू टू मिल जाएगा अगर x की जगह वन ले लू ना x की जगह वन ले लू ले लेते एक्स इक्वल्स टू अगर वन पुट कर दू तो मुझे क्या मिलेगा बेटा वन प्लस वाईक्वल्स टू टू यानी वाई इज इक्वल टू टू माइनस वन यानी वाईक्वल्स टू वन तो अगर मैं एक्स की जगह वन लू तो वाई की भी वैल्यू क्या मिल रही है मुझे वन मिल रही है मर्जी एक पे चलानी है दूसरा अपने आप आ जाएगा वरना पता चल रहा है दोनों अपने मन मर्जी से ले रहे हो ऐसा नहीं करना है ओके तो कोऑर्डिनेट्स आर जीरो टू टू कॉमा जीरो और वन कॉमा इनको हम करेंगे ग्राफ पे प्लॉट, ओके, ग्राफ बना लेते हैं, देखो सारे है। मतलब तीनों के तीनों पॉइंट कहा आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे बाकी तीन क्वाड्रेंट की कोई जरूरत है ही नहीं अपने को और जरूरत नहीं है तो ड्रॉ क्यों करना है ना हम सिर्फ फर्स्ट ही ड्रॉ कर लेते हैं ये आ गया बेटा हमारा ओरिजिन ये वाई ये ये हाँ अब पॉइंट्स लेते टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज लेनी है जब भी आप लाइन का ग्राफ बनाओ है ना जब भी आप लाइन का ग्राफ बनाओ या ग्राफ रिप्रेजेंट करो उसमें एक स्केल नाम की चीज होती है क्या होता है स्केल होती है ठीक है स्केल में आता है बेटा ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस अब ये क्या बला है ठीक है ये क्या चीज है स्केल मतलब आप जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट कर रहे हो तो हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है देखो ग्राफ पेपर में जो बॉक्सेस होते हैं वो बॉक्स वन वन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं बॉक्स कैसे होते हैं वन वन सेंटीमीटर होते हैं मतलब ये वन सेंटीमीटर ये वन सेंटीमीटर ये वन सेंटीमीटर मतलब आपने हर एक पॉइंट के बीच का एक डिस्टेंस जो लिया है वो कॉन्स्टेंट लिया है मतलब एक, एक पे हमने लिया है वन सेंटीमीटर इक्वल्स टू वन यूनिट ठीक है यही अगर मैं ऐसा करूं ये एक बॉक्स ठीक है ये एक बॉक्स है ये दूसरा बॉक्स है सीधे मैं यहां वन ले लू फिर दो बॉक्स छोड़ के ऊपर टू ले लू मतलब मैंने दो सेंटीमीटर पे एक यूनिट लिया है ठीक है दो सेंटीमीटर पे एक यूनिट लिया है तो उस केस में स्केल क्या हो जाएगी ऑन वाई एक्सिस टू सेंटीमीटर इक्वल्स टू वन यूनिट ऐसा आप जितने सेंटीमीटर पे पॉइंट ले रहे हो वो आपको स्केल में, में मेंशन करना होता है ओके तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे वन सेंटीमीटर इक्वल्स टू वन यूनिट यहाँ आ गया आपका वन यहाँ आ गया टू यहाँ आ गया थ्री अब अपने पास स्पेस बहुत है तो यहाँ हम टू सेंटीमीटर ले थ्री सेंटीमीटर ले अपनी मर्जी ओके आप अपने हिसाब से कर सकते चलो पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं पहला पॉइंट बेटा हमारा जीरो कॉमा टू एक्स की वैल्यू जीरो है ना गैप थोड़ा बॉक्स में गड़बड़ है यहाँ पे ये बड़े छोटे लग रहे हैं मेरे को चलो कोई नहीं आपके ग्राफ पेपर पे आप बराबर हिसाब से लेना प्रॉपर डिस्टेंस तो आ गया उसके बाद टू कॉमा जीरो एंड देन वन कॉमा वन एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू वन और तीनों को कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन तो दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू ये क्या हो गया बेटा हमारा ग्राफ हो गया एक्स प्लस वाईक्वल टू टू वाले लाइन ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो इसके लिए ग्राफ बनाना है फिर से वही सेम प्रोसेस टेबल बना लो ये बन गया हमारा टेबल टेबल में क्या क्या हमें? X चाहिए हमें एक्स चाहिए वाई और एक्स वाई ठीक है एक्स वाई एक्स कॉमा फिर अपनी मर्जी चलाएंगे चलो अगर मैं y की जगह थ्री ले लूं, अगर मैं y की जगह थ्री ले लूं, तो ये क्या हो गया थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो थ्री एक्स इक्वल्स टू थ्री यानी x इक्वल्स टू वन x कितना आ गया वन आ गया अगर मैं x की जगह या फिर लेट्स से y की जगह आपको जिस पे चलाना आपको x की वैल्यू लेनी है x की किलो y की वैल्यू लेनी है वाई किलो आपके हिसाब से अगर मुझे लेट्स से चलो x की जगह मैं अगर टू रख दू है ना x की जगह अगर टू रख दू तो ये कितना हो जाएगा बेटा थ्री इंटू टू माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो सिक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया सिक्स आ गया So, x की जगह अगर टू लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स आ गई अब अगर मैं y की जगह माइनस थ्री रख दू y की जगह माइनस थ्री तो ये क्या हो गया थ्री एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो थ्री एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री तो x इज इक्वल्स टू माइनस वन तो y की जगह अगर माइनस थ्री रखते हैं तो so, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन आ गई ओके। तो टू कॉमा सिक्स एंड माइनस वन कॉमा माइनस थ्री अब देखो निगेटिव वैल्यू भी आई है मतलब अब हमारा सिर्फ एक क्वाड्रेंट से काम नहीं चलेगा अब हमें चारों बनाने हैं ओके okay? बना लो ग्राफ एक्स देन वाई दिस इज आ ओरिजी ठीक है पॉइंट्स ले लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस आइनस थ्री माइनस फोर फाइव माइनस सिक्स वन फाइव सिक्स माइनस वन माइनस माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव सिक्स ओके पहला पॉइंट क्या बेटा वन कॉमा थ्री है ठीक है पहला पॉइंट वन कॉमा थ्री यानी एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू थ्री एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू थ्री यहाँ आ गया हमारा पॉइंट दूसरा है टू कॉमा सिक्स एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू सिक्स वन कॉमा माइनस थ्री एक्स की वैल्यू माइनस वन वाई की वैल्यू माइनस थ्री यानी इधर आ गया तीनों पॉइंट मिल गए तीनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ओके स्केल की हेल्प से ही ड्रॉ करनी है वरना पता चल रहा है रैंडम ड्रॉ कर रहे हो तो वैसे नहीं करना बेटा ठीक है स्ट्रेट दिखनी चाहिए वो वो लाइन स्ट्रेट दिखनी चाहिए तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो के लिए हमें हमारा ग्राफ मिल गया ओके तो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन अगेन स्केल मेंशन करना है एक्स एक्सिस पे वन यूनिट वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर वन यूनिट वाई एक्सिस पे वन सेंटीमीटर वन यूनिट इस तरीके से ओके आगे बढ़ते हैं रॉ दी ग्राफ ऑफ इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन फिर से सेम प्रोसेस टेबल बना लो एक्स वाई एक्स कॉम वाई ठीक है एक्स की वैल्यू अपने मर्जी से ले लो चलो अगर एक्स की जगह मैं वन रखू तो ये हो गया टू प्लस वाई इक्वल्स टू वन यानी एक्स की जगह वन रखने पे वाई की वैल्यू माइनस वन एक्स की जगह अगर टू रख दे तो ये हो गया फोर प्लस वाई इक्वल्स टू वन यानी वाई की वैल्यू माइनस थ्री और अगर मैं वाई की जगह वन रखू वाई की जगह वन रखेंगे तो टू एक्स इक्वल्स टू तो जीरो वाई तो की जगह वन रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जीरो आ गया आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स आ गए वन कॉमा माइनस वन टू कॉमा माइनस थ्री एंड जीरो कॉमा इनको हम करेंगे ग्राफ पे प्लॉट फिर से निगेटिव वैल्यूज भी है हमारे पास इसीलिए चारों लगेंगे ओके ओरिजिन एक्स पॉइंट्स ज्यादा नहीं है छोटे छोटे से हैं वन टू थ्री तक जाना है हमें तो ये आ गया वन देन टू थ्री और फोर इधर भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर यहां पे भी सेम माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन टू थ्री पॉइंट्स ले लो बेटा वन वन कॉमा माइनस ठीक है क्या है हमारे पास वन कॉमा माइनस वन यानी एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू माइनस वन यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट देन नेक्स्ट इज टू कॉमा माइनस थ्री एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू माइनस थ्री यानी इधर पे आ गया हमारा पॉइंट दूसरा जीरो कॉमा वन एक्स की वैल्यू जीरो की वैल्यू वन यानी ये आ गया हमारा तीसरा पॉइंट। मिल तीनों पॉइंट्स, बस तीनों को कर देंगे हम, कनेक्ट। दिस इज़ रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ टू एक्स प्लस इक्वल्स टू वन ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ओके गिवन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ चलो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्या बोला गया बेटा क्वेश्चन में ध्यान से समझो ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ फॉलोइंग चारों लाइंस के लिए हमें एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है ये अलग अलग पे नहीं करना है चारों को एक ही पेपर पे ड्रॉ करना है राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर हम जब चारों लाइंस ड्रॉ कर लेंगे तो वो चारों लाइंस जिन जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स भी हमें लिखने हैं ओके okay? चलो चलेंगे। हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे पहले आता है हमारा x plus four equals to zero. तो ये हो गया to y -axis. उसके बाद सेकेंड वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो y इक्वल्स टू वन लाइन पैरल टू x एक्सिस इन दोनों के लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है तीसरा टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो इसके लिए टेबल बना लेंगे X, y, X, y. Yeah. पुट कर दो अपने अच्छा यहाँ पे भी देखो y की वैल्यू तो है ही नहीं तो इसके लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है ये भी डायरेक्ट आ जाएगा बेटा y तो है ही नहीं ना इसमें भी नहीं है y सो थर्ड

यानी ये जो चारों ग्राफ्स है ये चारों कैसे बनेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पैरल लाइन्स ही बनेगी इन दोनों के लिए इन चारों के लिए टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ठीक है पॉइंट्स प्लॉट करते हैं सीधे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर फाइव थ्री पहला है बेटा हमारा एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स इक्वल्स टू माइनस डार्क कलर्स ही ले लेते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर मतलब ये पॉइंट तो हमारी जो लाइन बनेगी वो तो ऐसी बनेगी ठीक है ये बन गई हमारी लाइन एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर बाद दूसरी है बेटा वाई इक्वल्स टू वन वाई इक्वल्स टू वन हमें लेना है नेक्स्ट वाई की वैल्यू वन यानी ये पॉइंट आ जाएगा y इक्वल्स टू वन यानी ये पॉइंट आ जाएगा तो हमारी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू वन ठीक है सेकेंड भी हमें मिल गया अब तीसरा क्या बेटा x इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू मतलब अब अगर फ्रैक्शन में पॉइंट आता है तो उसको कैसे ड्रॉ करें तो बेटा जब भी आपका फ्रैक्शन में आएगा इसको डेसिमल में ले लो माइनस थ्री बाई टू मतलब माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव मतलब वन और टू के बीच में यानी माइनस वन और माइनस टू के बीच में तो एक्स की वैल्यू इज माइनस वन पॉइंट फाइव कलर ब्लैक ही ले लेते हैं माइनस वन पॉइंट फाइव यानी यहां पे कहीं पे तो भी आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस वन पॉइंट फाइव लाइन ड्रॉ कर लेंगे बेटा थिंग लाइक दिस हम नेक्स्ट लाइन दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस थ्री बाय टू विच इज पैरल टू y एक्सेस अगेन और लास्ट है इक्वल्स टू फाइव इक्वल्स टू फाइव मतलब ये पॉइंट है ना इक्वल्स टू फाइव मतलब ये पॉइंट और लाइन हमारी कैसी बनेगी कुछ इस तरीके से ये आ गई बेटा हमारी y इक्वल्स टू दिस इज़ so, ग्राफ ऑफ वाई फाइव तो चारों ग्राफ्स बनने के बाद हमें क्या करना है हमें इन चारों लाइंस के जो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है करेक्ट सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा यहाँ पे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है ठीक है इसमें एक्स की वैल्यू है माइनस टू और y की वैल्यू है फाइव देन सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस वन इसमें x की वैल्यू है फोर y की वैल्यू है फाइव x की वैल्यू इज माइनस फोर की वैल्यू इज फाइव ओके देन तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर आ गया अगेन x की वैल्यू माइनस फोर वाई की वैल्यू ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x की वैल्यू माइनस टू वाई की वैल्यू वन इसके अलावा और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या नहीं ठीक है तो दीज आर दी फोर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ठीक है क्वाड्रिलेटरल हमें मिल रहा है इसको हम अब मेजर चेक करके ये रेक्टेंगल भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन साइड के मेजर जो हम निकाल लेंगे ठीक है तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले इन चारों लाइंस ठीक है दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़े बेटा हमने पढ़े कि ग्राफ में क्या होती है ओरिजिन क्या होता है और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है प्लेन के ऊपर भी और एक्सेस के ऊपर भी देन लाइंस एक्स एक्सिस को पैरेलल कब रहेगी और वाई एक्सिस को पैरेलल कब रहेगी करेक्ट हमने पढ़े एक्सेस एक्सेस क्या है ओरिजिन क्या है और कोऑर्डिनेट्स क्या है उसके बाद प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट्स को प्लॉटिंग कोऑर्डिनेट्स कहाँ प्लॉट कर सकते हैं बेटा पहले प्लेन में हमने कि प्लेन में कैसे लेना है और फिर एक्सिस के ऊपर कैसे लेना है एक्सिस एक्सिस के और के ऊपर ऊपर और किस तरीके से पॉइंट प्लॉट किए जाएंगे थर्ड थर्ड इज लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ठीक है लाइन पैरल टू एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो जब हम एक्स एक्सिस के लिए पैरल लाइन लेंगे तो वाई इक्वल्स टू के होगा और वाई एक्सिस के लिए पार्लर लाइन लेंगे तो एक्स इक्वल टू के हो जाएगा करेक्ट प्लेन और एक्सिस के ऊपर जब लेते हैं तो एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर भी आएगा पॉइंट और y एक्सिस के ऊपर भी आएगा पॉइंट जब x एक्सिस के ऊपर आएगा तो x को हमारा जीरो होंगे और वाई एक्सिस के ऊपर आएगा तो जीरो कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे करेक्ट एंड लास्टली हमने पढ़े बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते हैं ठीक है इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन की जगह आप बोल सकते हो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफ ऑफ क्वेशन ठीक है तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की काफी छोटा सा इजी पीजी सा चैप्टर था ये ठीक है प्रैक्टिस करना ऑलमोस्ट प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ठीक है ठीके? सारे क्वेश्चंस इसमें कवर अप हो चुके हैं अगर एक दो रह गए हो तो वो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं सॉल्व एग्जाम्पल गो थ्रू करना है ओके okay? और जितनी ज्यादा हो सकता है जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करें बेटा तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे अब हम मिलेंगे अपने अगले अमेजिंग से वन शॉट में अगले चैप्टर के साथ टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर ओके बाय